जी वालेकुम जी आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ऑनलाइन आर्बिट्राज से ही रिगार्डिंग है और फर्स्ट स्टेप आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जो कि प्रोडक्ट हंटिंग का स्टेप है हमें देखना है कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट जब करना होता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आ, मतलब थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हंटिंग काफी ज्यादा मुश्किल शायद आ, एक प्रोसीजर है और सबसे टफ इसमें है आ, देखें जी बहुत सारी आ, इसके अंदर पॉजिटिव चीजें भी हैं कि जब तक आप हंटिंग पे अपनी ग्रिप नहीं ना लेकर आते तब तक आप समझो कि आप बिजनेस करने के काबिल ही नहीं होते बहुत सारे लोगों को हंटिंग में बहुत सारे मसाइल आ रहे होते हैं और डिसीजन लेने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि एक अच्छी प्रोडक्ट हंट करने के साथ आप के डिसीजन जो है राइट टाइम पे राइट डिसीजन भी बहुत मैटर करते हैं अब देखिए बहुत सारे लोग इस तरह से कंसीडर करते हैं कि प्रोडक्ट कोई भी कंसीडर कर ली उसके बारे में डिसीजन लेते हुए बहुत टाइम लगा देते हैं तब तक वो डील खत्म हो चुकी होती है तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में बहुत क्विक किस्म के डिसीजन आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं So, यहाँ पर देखें जी ऑल पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी मतलब कैटेगरीज uh, यहाँ पर आ रही हैं। सो so, मैं आपको आज एक सिंपल सा मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू हम हंटिंग कर सकते हैं तो उसमें सिंपल आप क्या करोगे जो भी कैटेगरी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड इन ग्रोसरी एंड गोरमे फूड आप इसे सर्च करो <clears throat> क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग की थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म है कि ड्रॉप शिपिंग में डायरेक्ट ड्रॉप शिप कर देते हैं आइटम्स को लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्योंकि हमें आइटम्स को परचेज करके और फिर हमें सेल करना होता है और थ्री पी एल की सर्विसेज वगैरह हमें लेनी होती हैं तो यही डिफरेंस है इसमें तो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें हम देख रहे होते हैं कि प्रीवियस जो हिस्ट्री है वो ये शो कर रही है कि इस पे आईपी कंप्लेंट्स कम है या ये प्रोडक्ट जो है वो उसकी से, सेलिंग हिस्ट्री काफी अच्छी है तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं ठीक है लेट्स से ये प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ से मैं कॉपी करूंगी और इसको मैं गूगल सर्च कर लूंगी ठीक है ये एक सिंपल सा मेथड आपको बता रही हूँ अब आप देखो ये प्रोडक्ट अमेजोन डॉट कॉम पे आ रही है ये वॉलमार्ट पर आइटम आ रही है ठीक है अब मैं इसको यहाँ से ओपन करके देखूंगी और सेम प्रोडक्ट है यहाँ से ही आपको पैकेजिंग से ही पता चल रहा होगा लेकिन आपने सबसे पहली जो चीज़ देखनी है वो सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट होनी चाहिए यहाँ पर सोल्ड बाय टू एम फुलफिल्ड बाय वॉलमार्ट यानि डब्ल्यू एफ एस की ये प्रोडक्ट है और ये कोई सेलर और कोई सेलर सेल कर रहा है तो हमें एफ बी जैसे एफ FB बी और एफ बी एम होता है यहाँ पर वॉलमार्ट में भी डब्ल्यू एफ एस और सिंपल मतलब वॉलमार्ट खुद सेल कर रहा हो तो वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें प्राइस हमेशा कम होगी अच्छा यहाँ पर देखें यहाँ पर सोल्ड एंड शेप बाय वॉलमार्ट आ रही है और लेकिन यहाँ पर आप देखो ये एटी बैग्स हैं अब हमें देखना है कि अमेजोन पे हमने देखे ये वन टेन बैग्स वाली है तो प्रोडक्ट डिफरेंट है ये ठीक है तो हमें बहुत केयरफुली प्रोडक्ट का एनालिसिस करना होता है कि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए अगर बिल्कुल सेम नहीं होगी तो ऑब्वियसली कस्टमर की कंप्लेन फौरी तौर पे रेज हो जाएंगी अच्छा अब ये देखो सैम्स क्लब पे प्रोडक्ट डिफरेंट आ रही है अब जो होम डिपो है इस पर सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है देखो वन है और यहाँ पर अगर आप देखो इसकी जो प्राइस वगैरह यहीं से अगर मिल जाए तो ठीक है अदरवाइज होम डिपो जो है वो डायरेक्ट जो है वो इस तरह से ओपन नहीं होता इसको बी वगैरह के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है या रिमोट डेस्कटॉप हम इसके लिए यूज कर सकते हैं सो मैं रिमोट डेस्कटॉप पे इसको जरा ओपन करने की कोशिश करती हूँ कि अगर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्ट हो जाता है तो हम इस पर जाकर इस प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं ठीक है वहां पर थोड़ी सी स्पीड कम होती है लेकिन आप रिमोट डेस्कटॉप को अभी रहने दें आप वीपीएस के थ्रू देख लीजिएगा अच्छा अब यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट सेम है बल्कि इनफेक्ट प्रोडक्ट सेम है हमें सिर्फ प्राइस का एनालिसिस यहाँ पर करने की ज़रूरत है रेटिंग भी देखो यहाँ पर सही आ रही है प्रोडक्ट की रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इसकी सोर्सिंग वेबसाइट है हम इसको यहाँ से सोर्स कर सकते हैं इसके अलावा <coughs> हम कुछ और आइटम्स की तरफ चले जाते ले हैं लेट्स ये प्रोडक्ट है इसमें ओपन कर लेती हूँ फिलहाल यहाँ पर और ये प्रोडक्ट काफ़ी लोग सेल कर रहे हैं बायोटीन जो प्रोडक्ट है ये आ, मतलब आ, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एवर ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं जो हमेशा सेल होती रहती हैं लेकिन ऑब्वियसली इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए आपके पास आ, इन और बाकी चीज़ें अमेजोन आपसे रिक्वायर कर सकता है अब देखो ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे आ रही है इसमें अब हमने देखना है इसके फीचर्स क्या हैं ये 2.3 2.03 थ्री एल की है 21 ग्राम इसमें प्लांट प्रो, बेस्ड प्रोटीन है 21 आ, ये ये चीजें आपने यहाँ से देख लेनी है ठीक है सेम हिस्ट्री को हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे कि क्या सेम प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है देखो ये सेम है 2.03 लेकिन ये प्रोडक्ट सोल्ड एंड बाय वॉलमार्ट नहीं है ठीक है ये एल एंड एल इंटरप्राइजेस के नाम से यहाँ पर एक सेलर है बाकी अदर ऑप्शंस भी हैं कंपेयर भी कर सकते हो आप अदर सेलर्स को हो सकते हैं वॉलमार्ट की लिस्टिंग को ही सबने मीटू किया हो तो हम ये चीज भी यहाँ पर देख सकते हैं सो so, यहाँ पर देखें डिफरेंट सेलर्स ही इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं सो देर इज नो नीड हमें ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना हमें ये देखना है कि वो प्रोडक्ट जो कि वॉलमार्ट खुद सेल आउट कर रहा हो हमें उस उस प्रोडक्ट को कंसीडर करना होता है। तो आप देखो शायद ये प्रोडक्ट एमेजोन वॉलमार्ट खुद से सेल आउट कर रहा था तो यहाँ पर फोर्टी फाइव की है और यहाँ पर सेल आउट हो रही है ट्वेंटी डॉलर ठीक है ये भी हमने देखना होता है कि पैकेजिंग वगैरह कितनी है अब यहाँ पर आप देखो कि पैकेजिंग में वेरी लिखा हुआ वे है और सिंगल है आइटम हो सकता है कि यहाँ पर आइटम सिंगल ना हो या हो सकता है कि सैलर में कोई और सैलर हो अलबत् ये भी सैलर फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है हमें देखना है यहाँ पर देख लेते हैं सैम्स क्लब पर इस प्रोडक्ट को तो ये मैं आपको हंटिंग करने का सिंपल मेथड बता रही हूँ इस तरीके से भी हैंडल कर, कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। अब इसमें अगर आप देखो ना तो यहाँ पर इसके पाउंड्स में डिफरेंस है वो 2.03 है और ये 2.74 है ठीक है तो आ, बाकी फ्लेवर्स में फर्क को भी हमें कंसिडर करना होता है यहाँ पर अगर आप देखो कहते तो प्राइस के लिए हमें साइन इन करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर ही आप देखो कि इंग्रेडिएंट्स भी डिफरेंट है और यहाँ पर भी इसकी डिफरेंट है सो इट इज़ आल्सो नॉट द सेम प्रोडक्ट सो यहाँ पर देखिए मैं फर्दर मूव करती हूँ ये होल सेल होल एंड नेचुरल डॉट कॉम ये प्रोडक्ट इस तरह से हम डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करेंगे लेकिन एक चीज़ की आपने थोड़ी सी इसमें इंटीग्रेशन करनी है अपने लैपटॉप में वो मैं आपको अभी बता देती हूँ अच्छा देखो ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है लेकिन थर्टी नाइन नाइन फाइव की विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव एज टू हमें Amazon से सस्ती प्रोडक्ट तलाश करनी है उसके लिए अच्छा सेटिंग आपको बता रही थी ये देखो ए, जब भी आप गूगल सर्च कुछ करोगे ना उससे पहले आपने ये कर लेना है यहाँ पर ये सेटिंग का बटन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है और सी ऑल सर्च सेटिंग पर आपने क्लिक कर, कर लेना है ठीक है इसके बाद हम स्क्रोल डाउन करेंगे यहाँ पर और शो मोर पर हम क्लिक करेंगे ठीक है अब स्क्रॉल डाउन जब हम करेंगे ना यहाँ पर तो आपने यूएस सिलेक्ट uh, करनी है इससे होगा कि गूगल आपको यूएस की मार्केट uh, प्लेस की भी काफी सारी वेबसाइट्स दिखाना स्टार्ट हो जाएगा कुछ वेबसाइट्स ओपन होगी कुछ वेबसाइट्स ओपन नहीं भी होंगी ठीक है इसलिए आपने नहीं होना जो नहीं होंगी वो वीपीएस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं और कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो वीपीएस के थ्रू भी एक्सेसिबल नहीं होती ठीक है uh, तो uh, मतलब वीपीएस uh, या वीपीएन एक ही चीज होती है ठीक है अब इसमें देखें ये भी एक्सपेंसिव uh, है प्रोडक्ट लेकिन देखिए प्रोडक्ट सेम मिल रही है हमें ठीक है हमें अभी चीज जो देख रही है वो ये देखनी है कि हमें अमेजोन पर जो प्रोडक्ट है उससे हमें सस्ती चीप प्रोडक्ट जो है वो मिले ताकि हम सोर्सिंग करने के बाद पैकेजिंग करने के बाद अमेजोन की फी काटने के बाद भी कुछ बचा सकें इसलिए आप देख सकते हो कि वॉलमार्ट पे जो लोग सेलर सेल आउट कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अमेजॉन ठीक है तो उसकी रीज़न यही है कि दे आर बेसिकली अर्निंग एंड दे आर क्रिएटिंग देयर प्रॉफिट्स और उसमें वो एक्सपेंसेस को माइनस करके उनकी प्राइसेस आए हो जाती हैं सो so, अमेजोन पे बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती हैं अभी हम सर्च कर रहे हैं अभी मैं आपको मैनुअल इसी तरीके से बता दें ताकि आप भी रेंडम तरीके से ही सर्च करें ये नहीं है कि Uh, मैं आपको दिखाने को प्रोडक्ट्स तौर पे भी दिखा सकती हूँ मतलब सेम आ रही है सेम तो आना मसला नहीं है जिसमें मार्जिन अच्छा निकल रहा है ठीक है लेकिन ऑब्वियसली हम मैं आपको बिल्कुल जीरो uh, uh, से जैसे बिल्कुल आपको हंटिंग करनी है मैं आपको उस लेवल पे जाके उसी तरीके से डाल लू अब देखें जो भी कैटेगरी हो आप सिलेक्ट करते हो ना तो उसमें आपको ये तरीका कार गूगल सर्च के थ्रू होता है इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो अगर आपको ये मेथड मुश्किल लग रहा है कि अमेजोन से इधर आना आप एक और काम कर सकते हो फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने वॉलमार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया ठीक है अब walmart.com डॉट कॉम को मैंने ओपन कर लिया अब यहाँ पर मैं आइटम्स को देखूंगी और मैं इसको रिवर्सली देखना आ, स्टार्ट करूंगी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी मैं प्रोडक्ट्स जो है वो ओपन कर लेती हूँ लेट से यहाँ पर किचन असेंशल्स को मैंने ओपन किया और <coughs> कुछ प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर ओपन करूँगी और इसको गूगल सर्च हम करेंगे लेट से ये हमारे पास है इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करूंगी क्योंकि इसमें प्राइस में काफी कम लगी हुई है हो सकता है अमेजोन पे अभी भी आ, मतलब हाई प्राइस में सेल आउट हो रही हो अच्छा ये प्रोडक्ट है इसको मैं यहाँ से गूगल सर्च करूँगी अब देखूंगी सेम प्रोडक्ट अगर अमेजॉन पर हो ये वॉलमार्ट पर है बेस्ट बाय पर है अब यहाँ पर देखो ये अमेजॉन पे प्रोडक्ट है तो इस तरह से आप रिवर्स प्रोसीजर भी कर सकते हो कि सोर्सिंग वेबसाइट को ओपन कर लो वहां से प्रोडक्ट्स देखो और गूगल सर्च करके चेक कर लो कि सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे है या नहीं है दोनों काम कर सकते हैं आप चाहे आप एमेजोन से सोर्सिंग सप्लायर तलाश कर लें या फिर आप आ, मतलब उधर से दूसरी साइड से कर लें आप इसमें देखें ये ट्वेंटी लीटर्स का है और इसकी सोल्ड एंड चिप बाय वॉलमार्ट ही है ये भी हमारे लिए ठीक है स्यूटेबल है इसके अलावा यहाँ से इसके फीचर्स को हमने यहाँ पर मैच करना है ठीक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको चेक करें ठीक है अब यहाँ पर आप देखो एटी टू डॉलर में भी वैसे सेल आउट हो रहा है लेकिन ऑब्वियसली अगर एमजोन के अलावा कोई और सेलर यहाँ पर अवेलेबल होगा देन इट विल बी इजी फॉर अस कि हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें सो so, यहाँ पर ये प्रोडक्ट ओपन हो गई अब इसके सी ऑल बाइंग ऑप्शन के साथ साथ इसके फीचर्स को भी देखेंगे हम सी ऑल बाइंग ऑप्शन पर देखेंगे अगर तो फीचर मुझे वैसे एम से तो लग रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो सेम है uh, Image से लग रहा है लेकिन फिर भी फीचर्स हमें मैच करने पड़ेंगे और इसके सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे जाकर हमें देखना पड़ेगा कि सैलर जो हैं वो इसको किस किस प्राइस में सेल आउट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे एक मिनट ये लोड हो जाए मैं रीलोड करूँ जी अब देखें ये यूज में सेल करने वाला शेलर है ना ये वाला तो इसको नहीं हमने देखना अब ये देखो ये वन सेवनटीन से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर हमें ये मिल रहा है सेवनटी नाइन डॉलर का सिर्फ ठीक है तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट जो है वो हंड कर सकते हो ये रिवर्स प्रोसीजर भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे क्लियर सेल्स देखो आपके कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसपे सेल वगैरह लगी हुई है अब देखो ना यहाँ पे क्लियरेंस का ऑप्शन आ रहा है काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो इस तरह की सेम प्रोडक्ट जब आप एमजोन पे अब देखो अगर ये सेवनटी नाइन का यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर वन सेवनटीन का सेल हो रहा है तो आपकी सारी वो बाद में कैलकुलेशन आप करोगे कि आपको कुछ बचता है या नहीं बचता ठीक है ये सारी चीजें बाकी इसके फीचर्स वगैरह सारे आपको देखने पड़ते हैं और इस इन ग्राफ्स को भी कीप आके आपको रीड करना पड़ता है फिर जाकर आप समझो कि इस काबिल होते हो कि आप चीजों को मतलब मैनेज कर सको अच्छा इसके बाद ये वेबसाइट और एक सिंपल मेथड मैंने आपको बताया दूसरा आपको मैं ये बताती हूँ कि आ, अभी जिस तरह से मैंने आ, यहां पर अमेजोन डॉट कॉम ओपन किया था नहीं सॉरी वॉलमार्ट ओपन किया था एक मिनट अच्छा वॉलमार्ट मैंने ओपन किया था इस, इस पर जो है वो अभी हमने यहाँ पे डील्स वगैरह देखी हैं अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी डील्स हैं कुछ पिकअप्स हैं इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि असल में क्लेरेंस और जो ये डिस्काउंट वगैरह लगे होते हैं ये बहुत आपको बेनिफिट दे जाते हैं कि आप उस टाइम पे चीज़ों को उठा लेते हो और लेटर ऑन ये कुछ टाइम पीरियड के लिए इस पर सेल आती है उसके बाद आप समझो कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से मतलब हो जाती हैं महंगी हो जाती हैं तो आप इजीली मतलब उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो <coughs> अच्छा मैं आपको ये बताने जा रही थी कि यहाँ पर अगर आप देखो ना डिपार्टमेंट पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज की आइटम्स वगैरह मिल जाती है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छा इसके अलावा यहाँ पर डील्स का बटन है यहाँ पर जब आप क्लिक करते ना आपको सारी वॉलमार्ट की इन हाउस यानी कि जाकर खरीदने वाली और ऑनलाइन दोनों तरह की डील्स कुछ यहाँ पर आपको नजर आएंगी उन डील्स में से भी आप प्रोडक्ट्स को यहाँ से पिक कर सकते हो और खरीद सकते हो अभी शायद इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेट जी यहाँ पर डील्स पर क्लिक करेंगे वैसे यहाँ से डील्स में से भी देखी जा सकती है मैं आपको ये बताने लगी थी अच्छा इसके अलावा देखो एमेजोन पर भी बहुत सारी आइटम्स होती हैं जिनको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो और इस तरह से उनकी सोर्सिंग वेबसाइट देख सकते हो अब देखो एक और वेबसाइट है जिसका नाम है जी ये देखें बिग है इसका नाम इसको हम ओपन कर लेते हैं बिग डॉट कॉम जी अब यहाँ पर देखें डिफरेंट मतलब कैटेगरीज वगैरह यहाँ पर आ जाएंगी और डिफरेंट फर्नीचर और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी इस तरीके से और फिफ्टीन परसेंट ऑफ़ भी है फर्स्ट परचेज पर अच्छा अब देखें यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स आ रही हैं जो कि हमने देखना है कि अमेजोन पर वो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं नहीं है फॉर एक्ज़ाम्पल हम टॉयज़ की कैटेगरी में चले जाते हैं अब हम यहाँ पर जो है वो टॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे और स्टफ़ टॉयज़ फॉर एग्जाम्पल हम सिलेक्ट कर लेते हैं वैसे स्टफ़ टॉयज़ उनकी डिमेंशनस बड़ी होती हैं तो उनको डिलीवर करवाने में थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको पड़ता है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं अच्छा अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट है के एम एंड के एम एंड एम इंटरनेशनल ठीक है ब्लैक बेयर है अच्छा अब इसको मैं ना गूगल सर्च करूंगी सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है हम इसको गूगल सर्च करेंगे और देखेंगे ये देखो ये प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पर भी मौजूद है बट वी नीड टू चेक में डिफरेंस है यहाँ फोर नाइन में है <coughs> और बाकी हमें प्रोडक्ट को ऑब्वियसली मैच करना है बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाकर मैच करने की जरूरत होती है अब ये प्रोडक्ट है लेकिन सेलर एक ही है इसका मतलब है कि हम इस प्रोडक्ट को <coughs> यहाँ पर सेल आउट नहीं कर सकते अच्छा जब तक मल्टीपल सेलर्स नहीं अवेलेबल होंगे तब तक हम प्रोडक्ट uh, को नहीं सिलेक्ट करेंगे सेल आउट करना उसकी रीजन ये है हो सकता है कि वो पर्सन अपनी प्रोडक्ट कस्टमाइज बना रहा हो और हम उस उसकी प्रोडक्ट को सेल आउट ना कर सकते हो सो so, ये चीजें भी हो जाती है अब इसको देख लेते हैं हो सकता है ये प्रोडक्ट हमें मिल जाए सो आई एम गोइंग टू सर्च दिस प्रोडक्ट अच्छा अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या सेम प्रोडक्ट अमेजोन पर है अमेजोन पर एक प्रोडक्ट आ रही है बट वी नीड टू चेक ठीक है ये प्रोडक्ट इस टाइप की आ रही है लेकिन ये ऑब्वियसली हुडीज़ वगैरह है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ठीक है आ, इस तरह की है लेकिन वो इस तरह की थी भी नहीं प्रोडक्ट सेम नहीं है अच्छा ये तो टॉयज की कैटेगरी से अब थोड़ा बाहर आ जाते हैं और हम कुछ और आइटम्स को देख लेते हैं अगर हमें स्टफ स्टफस हो रहा इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं ठीक है डॉल्स को चेक कर लेते हैं या एक्शन फिगर्स को चेक कर लेते हैं लेट सी <coughs> इसको देख लेते हैं <coughs> ठीक है इसमें बहुत सारी डील्स वगैरह होती हैं सारी डील्स वाली प्रोडक्ट है इसमें ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो मतलब मिल जाती है आपको अच्छी प्रोडक्ट्स भी अब ये देखो ये Amazon पर मौजूद नहीं है तो वो लिस्टिंग जो कि ऑलरेडी Amazon पर नहीं होती वो हम सेल नहीं करते ठीक है इस चीज पे आपने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है जो प्रोडक्ट Amazon पे ऑलरेडी सेल आउट हो रही है और उसमें मोर और लेस तीन चार सेलर हैं वो प्रोडक्ट हमने सेल आउट करनी है हमने वैसे प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करनी जो प्रोडक्ट ऑलरेडी Amazon पर ना हो वैसे भी ये जो बारबी ब्रांड है ना काफी बड़ा है और बड़े ब्रांड्स को भी हमने सेल आउट करने से अवॉइड करना है थोड़ा ठीक है इसको भी हम क्लोज uh, कर देते हैं हम कैटेगरी uh, चेंज करेंगे ये बिग लॉड वेबसाइट को पूरी को आपने जो है वो मतलब समझें कि अच्छी तरह से चेक करना है इसमें काफी ज्यादा डील्स और सारा कुछ है यहाँ पर आप वीकली डील्स पर चले जाए और यहाँ पर डील्स को आपसे पूछेंगे किस टाइप की आपको डील्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल हम पेशयो गार्डन में चले जाते हैं और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या डील्स अवेलेबल हैं लेकिन एक्चुअल प्राइसिंग की काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हमें वैसे अगर हम खरीदेंगे तो हमें यहाँ से भी डिस्काउंट मिल जाएगा और जब हम प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल आउट करेंगे तो उसमें भी हमें डिस्काउंट मिल जाएगा और वहाँ पर भी मार्जिन होगा ठीक है अब यहाँ पर देखें इस प्रोडक्ट को हम गूगल सर्च करेंगे अच्छा अब ये अमेजोन पर है वन अभी देखते हैं प्रोडक्ट भी सेम है या नहीं नमें प्रोडक्ट को मैच करना पड़ेगा ठीक है तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती है उसको ब्रांड नेम से ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ब्रांड इनका डिफरेंट नहीं होना चाहिए अब जैसे ये प्रोडक्ट रियल लिविंग की है ठीक है हम इसको बाय रियल लिविंग भी सर्च कर सकते हैं इस तरीके से ताकि ब्रांड नेम भी डिफरेंट ना आए क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ब्रांड अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट आए तो बहुत ज्यादा कस्टमर्स की कंप्लेन आ जाती है कि हमें किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट भेजी जा रही है खास तौर तो पर फर्नीचर वगैरह में जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें लोग जो हैं वो काफी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं ठीक है तो अलबत् कहने का मकसद ये है कि आपने इस पूरी वेबसाइट को इसी तरीके से फिलहाल जो है मैं अभी आपको कोई हंटिंग का क्राइटेरिया नहीं बता रही कुछ भी नहीं बता रही जस्ट मैं आपको सेम प्रोडक्ट जो है वो मैच करना फिलहाल आपको बता रही हूँ ठीक है तो आपको सेम प्रोडक्ट मैच करना सेम ब्रांड को मैच करना इवन प्रोडक्ट जो उसके कलर फीचर जो भी चीज है हंड्रेड परसेंट अगर आपके मैच करते हैं और प्र, प्राइस में डिफरेंस है तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए गुड टू गो कंसीडर होगी अदरवाइज वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूजलेस होगी तो ये मेथड है जिसको आपने फॉलो करना है और इसमें लाइक कहने का मकसद ये है कि फिलहाल आपका जो मकसद है वो ये है कि आपने सेम प्रोडक्ट्स डिफरेंट सोर्सिंग साइट्स पर फाइंड आउट करना सीखनी है हंटिंग का क्राइटेरिया आपको मैं बाद में बताऊंगी अभी मैं हंटिंग का क्राइटेरिया नहीं बता रही अभी मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि आपने एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स कैसे मैच करनी है और आपने ये देखना है कि प्राइस में डिफरेंस लाजमी होना चाहिए जैसे अगर वॉलमार्ट है तो वहां पर सोल्ड एंड शेपर वॉलमार्ट होना चाहिए लेकिन अगर बिग लॉट्स है तो वहाँ पर प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए और प्राइस में ऑब्वियसली डिफरेंस होना चाहिए तो ये छोटी छोटी कहने को चीजें हैं लेकिन इनकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है अब लेट से ये प्रोडक्ट है ठीक है इसको हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं ठीक है मतलब बहुत सारी आइटम्स है जैसे ये कॉफी है और इसको चेक कर लेते हैं हम तो डिफरेंट आइटम्स को आपने जस्ट इनको मैच करना सीखना है ठीक है और ऑब्वियसली आपने ये भी देखना है कि सेलर उसमें कम से कम तीन चार जरूर होने चाहिए जैसे पहले एक आइटम थी थी बिल्कुल एग्जैक्ट लेकिन उसमें सेलर कम थे अब इसमें सैलर ज्यादा है फोर्टी फोर सैलर है हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं अगर हम इस हमें इसका सोर्सिंग सप्लायर मिल जाए ठीक है इसको देख लेते हैं यहाँ पर सिक्सटी वन में मिल रही है एट्टी फोर केक ये भी केकअप लेकिन यहाँ पर देखो फोर्टी वन में भी बिक रही है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एंड शिप बाय वॉलमार्ट नहीं है इसी वजह से प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है लेकिन है है बिल्कुल सेम ठीक इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ये नाइंटी फोर काउंट है ये हंड्रेड काउंट्स है वहां एटी फोर है ठीक है तो प्रोडक्ट मस्ट बी एग्जैक्ट ठीक है यहाँ पर अब डिफरेंट जो है वो यहाँ पर एटी फोर काउंट में है बट ये थर्टी नाइन थर्टी नाइन नाइनटी नाइन की है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ फोर्टी वन की सेल आउट हो रही है सो so, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो है वो मैच करने की जरूरत होती है ये चीज हो गई अब आपने मतलब एमेजोन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेकर डिफरेंट सोर्सिंग वेबसाइट्स पर जाकर आपने सर्चिंग करना सीखनी है प्लस उसके साथ आपने जो भी प्रोडक्ट आप सर्च करोगे उस प्रोडक्ट के सोर्सिंग सप्लायर के साथ साथ आप रिवर्स प्रोसीजर भी स्टार्ट कर सकते हो कि आप सोर्सिंग वेबसाइट को ओपन कर लो वहां से प्रोडक्ट्स को गूगल सर्च करो और वहां पर चेक कर लो कि प्रोडक्ट जो है वो सेम टू सेम एमेजोन पर मौजूद है या नहीं है तो ये मेथड को आपने कंसीडर करते हुए एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट सोर्सिंग वेबसाइट से आपने फाइंड आउट करना सीखना है जो वेबसाइट पे एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वीपीएस बताऊंगी अभी आपने उन वेबसाइट्स को लीव कर देना ठीक है लेकिन वीपीएस आप खुद से इंस्टॉल भी कर सकते हैं मैं दोबारा से स्क्रीन में से शेयर करके बता देती हूँ ताकि अगर आप करना भी चाहें तो आप कर लें ठीक है उसके लिए देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे क्रोम वेब स्टोर ठीक है अगर आप क्रोम की एक्सटेंशन यूज कर रहे हो फिर ही आप क्रोम वेब स्टोर लिखोगे और इसको आपने ओपन करना है क्रोम वेब स्टोर में जाकर आपने एक वीपीएन है जो कि काफ़ी अच्छा वीपीएन है हम खुद भी उसे यूज कर रहे हैं उसका ने, नेम है जेन मेट ठीक है जेन मेट वी है फ्री वीपीएन है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो यूएसए के लिए ठीक है ये है वेब मतलब इसको एड टू क्रोम करोगे यहाँ से एड एक्सटेंशन कर देनी है आपने लेकिन बीपीएस चलाने के बाद आपके लैपटॉप की स्पीड काफी काफी परसेंटेज उसकी स्लो हो जाती है लाइक अगर हंड्रेड परसेंट एफिशियंट चल रहा है तो हो सकता है उसकी हो जाए ठीक है तो यहाँ पर देखिये यहाँ पर ये एक्सटेंशन का बटन आएगा ये अब आपका वीपीएन एक्टिव हो चुका है यहाँ पर ठीक है जब आपने इसको रन करना होगा यहाँ पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज कर देना और जस्ट आपने लोकेशन अपनी यहाँ से यूएसए की करनी है यहाँ पर क्लिक करके यूएस की लोकेशन को सिलेक्ट करोगे देखो ये वीपीएन ऑन हो जाएगा जब आपने इसको लैपटॉप को बंद करना है या आपने वीपीएन को यूज करना बंद करना है तो इस पर क्लिक करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा इसको डिसेबल रखना है अदरवाइज आपके लैपटॉप की स्पीड बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगी जी अब यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं प्लीज assalamualaikum जी वालेकुम सलाम जी तारिक मैं जी मैं सिर्फ बात करूं मैं इनके बाद पूछ लेता हूं जी जी पूछें प्लीज जी मैं तारिक बात करूं मैं मैं पूछ रहा था कि आपने बताया कि वॉलमार्ट के पर हम डील्स को देखेंगे और बिग लॉट से भी हम प्रोडक्ट को देख के रिवर्स कर सकते हैं तो डील्स है। के ऊपर हम जब हम बाइंग करेंगे तो हम कितनी क्वांटिटी से बाइंग करेंगे या कोई टोटली आपके बजट पर डिपेंड करते हैं और इसके अलावा इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आप उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना चाहते हो लेकिन डील्स क्योंकि खत्म हो जाती हैं तो कम अज कम टेन ट्वेंटी यूनिट्स तो लाजमी बाय करें क्योंकि वेयर हाउस की भी लिमिटेशन होती है

और वो डील में अवेलेबल ना हो तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए फिर आप रेगुलर प्राइस के हिसाब से देखोगे कि सोर्सिंग आप कहां से कर सकते हो उस प्रोडक्ट की ओके और सेकंड क्वेश्चन ये कि जिस सेलर का आपने बताया कि लिस्टिंग uh, के ऊपर सेलर कितने होने चाहिए लिस्टिंग पर मिनिमम 3 प्लस सेलर हो यानी कि 3 तो लाज़मी हो और डिफरेंट सेलर्स हो

जहाँ पे हम अपना अकाउंट वगैरह बना ले वहाँ से हम रिवर्स किया करें आपको टेन नहीं मैं आपको फिफ्टी भी बता दूंगी वो मसला नहीं है लेकिन अभी स्टेप बाई स्टेप इनशाला लेकर चलेंगे ठीक है ठीक है अच्छा दूसरी मैम ये है कि वॉलमार्ट की आपने बात की है तो ऑर्डर सस्पेंड बड़े होते हैं उसकी क्या रीजन है उसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं वॉलमार्ट में ऑर्डर कैंसिलेशन नो डाउट है लेकिन अगर आपके वेयर हाउस में या पिकअप की कोई आपके पास क्लाइंट वगैरह वहां पर अवेलेबल है जो आपकी पिकअप में हेल्प कर सके तो पिकअप में ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं है तो हम लोग तो वैसे पिकअप को प्रेफर कर रहे हैं आजकल लेकिन

सॉरी उसका प्राइसेस हमने देखी है वाल बार्ड में मुख्त शो हो रही होती है एक जिस आपने अभी बताया भी वो हमें देखना चाहिए भाई सोल्ड एंड शिप्ड बाई वाल बार्ड होना चाहिए जी तो उसमें ये है कि भाई अगर हम उनका कोई मेम्बरशिप ले लें तो पे करके उसमें प्राइसेस और होती हैं वो क्या सीन है नहीं नहीं वो उसमें ये है कि मेंबरशिप में आपको आ, मतलब टैक्स की एग्जामेशन मिल जाती है और आपके मतलब उसमें फीचर्स आपको मिल जाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में फ्री शिपिंग मिल जाती है ये चीज़ें आपको बेनिफिट मिलते हैं अदरवाइज बेशक आप वैसे एक आईडी डी बनाए या गेस्ट के तौर पर भी करें तो गेस्ट पे ऑर्डर कैंसलेशन ज़्यादा है अगर आपकी आई है तो उस पर ऑर्डर कैंसलेशन कम होगी आपकी अच्छा उस पर कम होगी इस पर अगर सेलर अकाउंट खोला जाए तो वो कैसा है आपको तो एक्सपीरियंस होगा सॉरी वॉलमार्ट का अगर सेलर अकाउंट ओपन किया जाए तो यहाँ अच्छी आपको सेल मिल सकती है जी वो भी बहुत अच्छा उसका काम चल रहा है अब एमेजोन से ज्यादा वॉलमार्ट पे लोग प्रेफर कर रहे हैं सेलिंग तो आपके ख्याल से फर्स्ट पे अमेजोन है सेकंड पे वॉलमार्ट

बिजनेस ठीक है प्रोफेशनल में होलसेल के लिए भी जी 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 अच्छा और उसको अपग्रेड किस तरह किया जाता है जिसने इंडिविजुअल ओपन किया हो तो उसके लिए हमें फर्दर और डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं या वैसे ही अपग्रेड हो जाता है वहाँ पे सिस्टम से नहीं उसमें शायद एलएलसी की कुछ चीजें सबमिट करवानी पड़ती है लेकिन वो अकाउंटेंट्स करते हैं वो हमारे वाली साइड नहीं हम सेलिंग का ही काम कर रहे हैं

अच्छा उसको तो फर्दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जी जी हारिस आपका क्वेश्चन जी इस्लामिकू मैम टेस्टिंग आप हाँ जी मेरा क्वेश्चन ये था कि ये ना जो ड्रॉप शिपिंग है ड्रॉप शिपिंग में तो अमेज़न की जो फी होती है वो पंद्रह परसेंट है आई थिंक तो एफ में आप बता सकती है कितनी ले रही है ये जो अमेजोन की फी कितनी है देखिये ये मैं आपको जब कैलकुलेशन बताऊंगी ना प्रॉफिट कैलकुलेशन तो उसमें डिटेल में ये सारा प्रोसीजर आपको गाइड किया जाएगा तो आप शीट शेयर हमारे साथ वैसे साथीट शेयर करूंगी ग्रुप में शीट शेयर होगी उस पर ही आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन और बाकी सारी चीजें सिखाई जाएंगी तो उसमें प्रेप सेंटर की फी भी होगी हर चीज तो हो कितनी हो है वैसे पर दो ऑन द साइज डायमेंशन एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट तो वो भी टॉपिक इसमें है आपको जब वेयरहाउस सिलेक्ट करना उनकी क्या चार्जेस है उनकी कैलकुलेशन कैसे वो फिजिकली आपको बताई जाएगी चले, थीक। थीक। नेक्स्ट सैटरडे होगी ठीक है चले चले ठीक okay, जी हसाम आपका एंडी क्वेश्चन पूछिएगा जी जी आवाज आ रही है हसाम जी मेरा सवाल है कि आ, आ, क्या आप इस कोर्स में डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर, करना सिखाएंगे हमको क्या फाइंड करना डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर जी जी वो भी आपको बताऊंगी ओके okay, जी आ, जी सायरा आपका क्वेश्चन मैम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सायरा बताइएगा जी मैम मैंने आपसे पूछना था कि आपने आ, मैं होलसेल का दरअसल मैंने सीखा हुआ आपको कल भी बताया था तो मुझे प्रोडक्ट्स वगैरह हंट करनी आती मुझे ना दरअसल मसला ये होता है कि जब प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं और जब अमेजोन कैलकुलेटर पर जब हम जाते हैं ना ये नुट करते हैं तो मुझे उसमें एक आर होता है वो नहीं शो होता उसकी क्या वजह है बाकी सब शो हो जाता कि मतलब इस की सेल इतनी है इसके प्रोडक्ट के मंथली पीसेस इतने सेल हुए बाकी सब, सब कुछ शो हो जाता है बस ये जो आर ओ ना वो शो नहीं होता अच्छा चले ये टॉपिक भी हमारा है तो फिर हम तभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि बाकी सब कंफ्यूज ना हो आई थिंक और मैंने आपसे भी पूछना था कि ये ऑनलाइन आर्बिट्रेज में भी एलएलसी वगैरह की जरूरत पड़ती है जी जी बिल्कुल पड़ती है ठीक है पहले होता था कि इंडिविजुअल अकाउंट पर भी हो जाती थी आज से कोई साल एक साल पहले तक लेकिन अब जो है वो जो सिचुएशन है उसमें अकाउंट अप्रूवल नहीं है मिल रही इंडिविजुअल्स पर तो रिकमेंडेड यही होता है कि एलएलसी बनाकर फिर आप अकाउंट जो है उसी की इंफॉर्मेशन पर क्रिएट करें और फिर आप बिजनेस करें ताकि आपकी पेमेंट भी सिक्योर रहे और बाकी सारे मामला डॉन रहे जी जी आ, वो मैंने ये भी क्योंकि जिनसे मैंने आ, सीखा है एमेजोन एफबी भी होलसेल का उन्होंने कहा था कि इसमें अकाउंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती वो आप विदाउट अकाउंट के भी मूव ऑन कर सकते हैं इस में। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा नहीं नहीं अब तो एलएलसी हर चीज के लिए रिकमेंडेड है ठीक है क्योंकि जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं फिर फिर उन पर जो सेलिंग हुई हुई उनकी हुई, फिर ने उसे रिलीज़ करने में में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किए डाले कुछ केसेस हुए तो इन यू एस आप बिजनेस करो अपना अमेजोन पर नहीं रिकमेंड करते हैं। और मैं लास्ट था कि आपने जो ये वाल इस सोर्सिंग यहाँ से करनी है प्रोडक्ट्स की जी जी अभी आपने प्रोडक्ट्स को एग्जैक्ट मैच करना सीखना है अभी मैं आपको सोर्सिंग नहीं बता रही मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट को मैच करना बता रही हूँ जो कि हंटिंग में सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें आपने प्रोडक्ट्स को मैच करना होता है कि आपकी सोर्सिंग वेबसाइट और एमेजोन दोनों पर प्रोडक्ट्स आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए सो so, आज हमारा टॉपिक जस्ट इसी से रिगार्डिंग था वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनी टाइप ऑफ टेक्निकोडक्ट हंटिंग हमने सिर्फ प्रोडक्ट को मैच करना सीख हैल में थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि होलसेल में जस्ट हमने एमेजोन से ही वो करना था और उसके क्राइटेरिया को मीट करते हुए करना था तो इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि उसमें ऑफ बिजनेस uh, और ऑनलाइन uh, आर्बिट्रॉज एक बिल्कुल डिफरेंट मैथड है और इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्विक सेलिंग होती है होलसेल में आपको बहुत एक टाइम लगता है आपके बिजनेस को सेटअप होते हुए ग्रो करते हुए लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में जैसे ड्रॉप शिपिंग में क्विक क्विक सेलिंग होती है बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी क्विक सेलिंग है जी जी क्योंकि वो उसमें ये नहीं ना था अदर कि वेबसाइट कि से जाके कर सकते हैं जी जी. उन्होंने जस्ट से बताया था था तो तो इसलिए एक दफा बस क्लियर करना थैंक यू तो, जी जी. सो मच कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं ठीक है जी थैंक यू सो मच किसी और का को कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप बाकी मैं वीडियो कल वाली भी और आज वाली भी इंशाल्लाह आज ही अपलोड करके ग्रुप में उसका लिंक शेयर कर दूंगी ठीक है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज